के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जनार थाना क्षेत्र के सोनू निषाद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एसएसपी ने कहा रुपयों के लेन देन के विवाद में हुई थी सोनू की हत्या। कमिश्नर ने किया निर्माणाधीन एम्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सड़क पर हो रहे जल भराव का निरीक्षण, समस्या के समाधान के दिए निर्देश। बदसलूकी व्यापारियों के अनुरोध और व्यापक जनहित पर नगर आयुक्त ने महानगर में चयनित 13 पार्किंग स्थलों का ठेका किया निरस्त। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक, लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के दिए निर्देश। सफाई कर्मियों का टूटा सब्र, वेतन न मिलने पर अपर नगर आयुक्त का किया घेराव, नगर आयुक्त और जिले के आला अधिकारियों ने समझौता कर समस्या का किया समाधान। खजनी थाना क्षेत्र में लूट और हत्या का वांछित अभियुक्त पर एसएसपी ने किया 25,000 का इनाम घोषित, कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जाने वाले योजनाओं की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने की समीक्षा, योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश, कहा मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय का जल्द होगा भुगतान। महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव 24 सितंबर को, 4 पदों के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई महिला उत्पीड़न पर जन सुनवाई और समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भूखमरी की कगार पर गुजर बसर कर रहे हैं संविदा पर तैनात नगर निगम के चालक, किया बैठक, बनाई आंदोलन की रणनीति। और राज महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में आगरा मंडल के खिलाड़ी रही ओवरऑल विजेता, कबड्डी में सहारनपुर, गोरखपुर, वाराणसी ने सेमीफाइनल में बनाई जगह।